अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड टू सी यू ऑल, होप यू ऑल आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। सो वॉट वी हैव टू डू टूडे, आज हम क्या करने वाले हैं, वी डू सम मैचिंग, ठीक है। बट मैचिंग करने से पहले टेक आउट योर इंग्लिश प्रिया बुक 2 एंड ओपन पेज नंबर 98। जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लें और पेज ओपन करें 98। हेयर इस पेज, यहाँ पे आ गया मेरे पास पेज। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वी सी द आइकन्स देन स्टार्ट वर्क। फर्स्ट आइकन इज रीड, मैच, ट्रेस, कलर एंड आफ्टर दैट राइट डेट ऑन डेट सेक्शन। डेट भी लिख लीजिएगा, ठीक है, आज की। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये पेज देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ साउंड्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट वी रीड द साउंड्स, हम पहले साउंड्स रीड कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से साउंड्स हैं। फर्स्ट साउंड इज य, फर्स्ट साउंड इज य, व्हिच साउंड इज दिस, ई। नाउ वो, साउंड इज वो, एंड लास्ट साउंड इज जी। ये तो हमने रीड कर लिए साउंड्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड वर्क है मैचिंग। जी, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, और ये जो साउंड्स हैं, हमने पिक्चर्स हैं उनके बिगनिंग साउंड्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके करेक्ट साउंड से उन्हें मैच कर देना है। यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक साउंड है जिसको एक पिक्चर से मैच किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम वो साउंड देख लेते हैं कौन सा है और वो पिक्चर भी देखते हैं कौन सी पिक्चर है। वो साउंड जो है, वो साउंड है य, वो साउंड है य, और नीचे पिक्चर दी हुई है यार्न की। किसकी पिक्चर है, यार्न की। तो हमने य को यार्न की पिक्चर से क्यों मैच किया हुआ है, बिकॉज द बिगनिंग साउंड ऑफ यार्न इज य, द बिगनिंग साउंड ऑफ यार्न इज य, ठीक है। इसलिए हमने य को यार्न की पिक्चर से मैच किया हुआ है। ये तो हो गई एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट साउंड है, वो नेक्स्ट साउंड है ई, नेक्स्ट साउंड इज ई। तो हमने क्या करना है, अब हमने साउंड तो रीड कर लिया एक और दफ़ा, अब हम पिक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ई साउंड से शुरू होने वाली पिक्चर कहाँ है। तो फर्स्ट पिक्चर इज इग्लू, फर्स्ट पिक्चर इज इग्लू, ठीक है। तो आप देखें ज़रा गौर से कि क्या इग्लू की बिगनिंग साउंड ई है। जी, इग्लू की बिगनिंग साउंड है ई, इग्लू की बिगनिंग साउंड है ई। तो हमने क्या करना है, साउंड ई को इग्लू की पिक्चर से मैच कर देना है। जी, क्योंकि बिगनिंग साउंड तो ई है, और अब जो बाकी के दो साउंड्स हैं और जो पिक्चर्स रह गई हैं, वो आपने ख़ुद से फाइंड करनी है और उनके करेक्ट साउंड से उनको मैच कर देना है, ठीक है। जब मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी, फिर आपने क्या करनी है, करनी है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कहाँ करेंगे, ये जो हॉलो साउंड्स हैं इनमें आपने करनी है ट्रेसिंग। जी, नीट एंड क्लीन ट्रेसिंग करेंगे। फिर लास्ट वर्क रह जाता है आपका कलरिंग। जी, उसके बाद आपने करनी है इन पिक्चर्स में कलरिंग, और ये डन हो जाएगा आपका पेज। फिर आपने क्या करना है, अपनी बुक्स को बंद करके अपने बैग्स में रखेंगे। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।